पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते बीजेपी ने टीएमसी खेमे में खलबली मचाई, तो इस हफ्ते ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अपने इलाके में पहुंचे और शुभेंदु अधिकारी पर ताबड़तोड़ हमले किए। हमारा तो ग्रामीण लोग, कृषक लोग, हमारा 120 मिल जल जमी आछे भवानी चौके काछे। बंगाल चुनाव में बागी वर्सेस भतीजा शुरू हो गया है। एक तरफ है ममता की पार्टी में नंबर दो पर रह चुके शुभेंदु अधिकारी, तो दूसरी तरफ है टीएमसी के प्रिंस अभिषेक बनर्जी। रविवार को अभिषेक और शुभेंदु अधिकारी के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिली। दोनों ने मैदान में उतरकर अपने समर्थकों के बीच जाकर शक्ति प्रदर्शन किया और जनता को अपने अपने राजनीतिक बाहुबल का मैसेज देने की कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दंतन में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई, तो ममता बनर्जी के भतीजे ने 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर में अपना दमखम दिखाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर में ये पहली सभा थी और अभिषेक ने शुभेंदु को बिना रीढ़ की हड्डी वाला नेता कह डाला। 10 साल पार्टी में रहकर मंत्री पद पर बने रहकर पलटी मार गए। तुम में और मुझ में अंतर सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मेरुदंड नहीं है। मेरुदंड को बेचकर बंगाल को नरेंद्र मोदी के हाथों नहीं सौंपा जा सकता। यदि साहस नहीं है तो घर में जाकर बैठें। मेरा नाम शारदा और नारदा मामले में नहीं है, जबकि जो मुझे तोलाबाज बोल रहे हैं उनका नाम शारदा और नारदा कांड में है। अभी भी उनके घर के 2 सांसद तृणमूल कांग्रेस में हैं। उन्हें घर जाने में भी शर्म आनी चाहिए। अभिषेक और शुभेंदु के बीच ये लड़ाई वर्चस्व की है। जब शुभेंदु टीएमसी में थे तब उनका और अभिषेक बनर्जी का 36 का आंकड़ा था। अब शुभेंदु बीजेपी के सितारे बन गए हैं, इसलिए वर्चस्व की लड़ाई और तीखी होती जा रही है। इसका साफ साफ संकेत दोनों की जुबान से भी सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने सभा में बोला था बीजेपी हटाओ देश बचाओ। इन्हीं नेता ने बोला था 2019 बीजेपी फिनिश, और अब बीजेपी का ही दामन थाम लिया है। स्वार्थी कारणों से तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के इच्छुक लोग ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप में हिम्मत है तो अपनी खुद की पार्टी का गठन करें, जिस तरह 1998 में ममता बनर्जी ने किया था। उन्होंने बीजेपी या CPIM का दामन नहीं थामा था ना। बंगाल के जिस इलाके में अभिषेक और शुभेंदु आमने सामने हैं, वो इलाका जंगल महल का है। इस इलाके की 45 से 50 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का अच्छा खासा दबदबा है। शुभेंदु की वजह से ही इस इलाके में टीएमसी मजबूत हो सकी। शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद टीएमसी संकट में है। जनाधार बचाए रखने की जद्दोजहद में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी ने कैसे बढ़ाया सर्दी का सितम।